हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पेटकेयर में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी ज़रूर क्लिक करें। उससे क्या होगा, फ्यूचर में मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी एक दो दिन से मैं वीडियो डालने लगा हूँ फ्लेक्सी के पप्स की, थंडर, उनमें से एक का नाम थंडर है और एक का नाम है जैक। तो वो आज 35 डेज़ के अप्रॉक्स हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो लोग ले चुके हैं। इनमें से अभी थंडर जो है वो एक मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, पबजी गेमर के नाम से उन्होंने यूट्यूब पे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे। तो उन्होंने इसके लिए पहले ही मेरे से बोल रखा था कि थंडर को मैं लेके जाऊँगा, तो एक दो दिन में थंडर भी चला जाएगा और जैक मैंने रखा हुआ है अपने लिए। बाकी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं प्रतीक गाज़ियाबाद से, हंटर को वो लेके गए हैं, और एक जो फीमेल थी जैसी, उसे भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं प्रवेश भैया दिल्ली से, वो लेकर गए हैं जैसी को। और एक जो फीमेल है जैसा कि जिससे मेटिंग कराई थी जिस डॉग से, रॉकी, उसका जो ओनर है एक फ़ीमेल, उन्होंने ली है। सो फ्रेंड्स, अभी एक दो दिन से काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि फ्लेक्सी की डाइट की वीडियो बनाएं, कि इस टाइम पे मैं फ्लेक्सी को क्या डाइट दे रहा हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो डाइट देनी थी उस पर मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद फीमेल को क्या डाइट देनी चाहिए उसके ऊपर लोगों का काफ़ी आ रहा था कि भाई अब फ्लेक्सी के पप्स बड़े हो गए तो क्या फ्लेक्सी को आप डाइट दे रहे हो और क्या उनके पप्स को डाइट दे रहे हो। तो इसी पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या डाइट दे रहा हूँ मैं फ्लेक्सी को और क्या पप्स को दे रहा हूँ। तो अभी फ्लेक्सी यहीं बैठी हुई है मेरे साथ, ये रही फ्लेक्सी, फ्लेक्सी। सो अभी फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा आजकल मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मॉर्निंग में ही बना रहा हूँ, क्योंकि इवनिंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी मेरी वैकेशंस चल रही हैं। तो वैकेशंस में ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, समर ट्रेनिंग के लिए, किसी भी आप इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो अभी मेरी वही ट्रेनिंग चल रही है, तो शाम को लेट आता हूँ तो टाइम मिल नहीं पाता, तो इसलिए कोशिश करता हूँ सुबह ऑफिस निकलने से पहले ही आपके लिए वीडियो शूट करके जाऊँ। और थोड़ा छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा जिम वगैरह भी स्टार्ट कर दिया, वर्कआउट भी ज़रूरी है। आप भी अगर टाइम नहीं मिलता है तो घर पर वर्कआउट करें, या फिर टाइम है तो जाएं जिम, जाएं एक्सरसाइज करें, क्योंकि फ़िट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लेक्सी का फूड कि इस टाइम में फ्लेक्सी को। सो फ्रेंड्स, ये है वो फूड जो अभी मैं रिसेंटली फ्लेक्सी को दे रहा हूँ, और प्लस उसके पप्स का अभी ये स्टार्ट कर दिया मैंने 3-4 दिन से। तो बहुत तरह के फूड्स होते हैं, मतलब जो आपने सुना होगा कि स्टार्टर फूड होता है, एक पप्पी फूड होता है, एक अडल्ट डॉग फूड होता है। तो इस टॉपिक पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कब हमें पप्पी देना है, कब स्टार्टर देना है, कब अडल्ट देना है, कितने पीरियड तक देना है, कौन सी ब्रांड का दें। तो इस टॉपिक को मैं अलग से कवर कर लूँगा, उस पर एक वो अलग टॉपिक हो जाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन अभी मैं जो फूड दे रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, वो ये है पेडिग्री का प्रोफेशनल रेंज का, जो नॉर्मल पेडिग्री वाला आता है और एक ये प्रोफेशनल वाला आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इनके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो मैं अभी दे रहा हूँ, इसे दे रहा हूँ स्टार्टर फूड, ये है मदर एंड पप स्टार्टर, पेडिग्री प्रोफेशनल रेंज का। सो फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो स्टार्टर फूड है वो आपके लिए, अगर जैसे कोई फीमेल रखी हुई है, उसकी डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद भी उसको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे फीमेल को भी स्टार्टर फूड दिया जाता है। प्लस जब आपके जो पप्स हैं, फीमेल के जो पप्स हैं, वो जो उसने दी हैं, जब वो 1 मंथ के हो जाते हैं, तो उसके बाद जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, मतलब जो उनकी कैलोरीज जितनी उन्हें चाहिए होती हैं, वो मदर मिल्क से वो पूरी सफिशिएंट कैलोरीज नहीं ले पाते, तो उसके बाद उन्हें फ़ूड की ज़रूरत होती है, मतलब एडिशनल फूड उन्हें दिया जाएगा, तभी उनकी कैलोरीज पूरी हो पाएंगी। तो जब पप्पीज़ का फूड स्टार्ट करते हैं हम, तो उस टाइम उन्हें स्टार्टर से देना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टर आप कब तक देंगे, जब तक उनकी एज हो जाए 3 मंथ्स तक, तो तब तक आपको उनको स्टार्टर देना है। प्लस लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब डिलीवरी के बाद जो मदर्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, ये अपने पप्स को मिल्क फीड करा रही हैं, तो उनको भी आपको ये स्टार्टर फूड ही दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपकी डॉग है जैसे 2 ईयर्स के अप्रॉक्स से, अगर उसने पप्स दिए हैं, तो उस टाइम तक आप उसे दे रहे थे अडल्ट फूड पहले, क्योंकि वो अडल्ट हो चुके हैं 2 ईयर्स की, लेकिन डिलीवरी के बाद उस, क्योंकि वो फीड करा रही है अपने पप्स को, तो उसको उस टाइम पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइम पे हम इसे भी ये मदर एंड पप स्टार्टर फूड देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मदर एंड पप स्टार्टर फॉर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स एंड पप्स 3 to 12 weeks, ठीक है, मतलब 1 महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं पप्स को देना, धीरे 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 धीरे, मतलब सेरेलैक या फिर मिल्क रिप्लेसर में मिला के आप दे सकते हैं। ग्रेजुअली आपको ये नहीं है कि 30 दिन का हो गया अचानक से स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में इसकी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते जानी, धीरे 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 करके शिफ्ट करना है इसको। उसके बाद
जब तक आपके पपी की एज 3 मंथ्स की हो जाए तब तक आप उसे स्टार्टर ही दें, उसके बाद पपी फूड स्टार्ट होता है। तो वैसे ये टॉपिक अलग से कवर कर दूंगा, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसका जो टेस्ट होता है, स्टार्टर फूड जो होता है वो डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, बहुत अच्छे से खाते हैं। अभी मैं फ्लेक्सी को जब अडल्ट डॉग फूड दे रहा था तो मतलब इतना जल्दी खाती नहीं थी, बहुत देर में उसको धीरे धीरे बोलना पड़ता था फ्लेक्सी खाओ खाओ, मतलब काफ़ी ज़्यादा नखरे से करती थी। अब ये स्टार्टर फूड आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा आता है छोटे छोटे पीसेज में, और अगर आप पप्पी को खिला रहे हैं, मतलब अगर मदर है डॉग फीमेल है तो उसे तो खिला ही सकते हैं एडल्ट, क्योंकि उसे तो ड्राई फूड पे आपने रख रखा होगा बहुत पहले से। लेकिन अगर पप्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे आप अचानक मतलब उसको सॉलिड फूड ना दें, इसको मतलब पहले 15-20 मिनट आप इसको वाटर में रख लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ही आप इसको पप्स को दें। तब देखो फ्लेक्सी कितनी जल्दी खाएगी। फ्लेक्सी नो 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 नो, फ्लेक्सी खाओ। सो फ्रेंड्स, अगर आज फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये है फ्लेक्सी, और इसने पप्स दिए थे अभी 1 मंथ पहले। तो अगर आपको फ्लेक्सी के मतलब छोटे की वीडियो देखनी है तो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जब फ्लेक्सी 35 डेज़ की थी उस टाइम से मैंने इसकी वीडियो बनानी शुरू करी थी, और अभी लगभग 2 साल की होने वाली है। तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह जो की थी मैंने, उसकी भी वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल रखी हैं। प्लस अब इसके पप्स की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। सो टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैंने इससे पहले भी जो और ब्रांड्स का इसको दिया था स्टार्टर उसमें से, लेकिन इसको पेडिग्री वाला ये ज़्यादा पसंद आया है, पेडिग्री का स्टार्टर। बाकी आप रॉयल कैनिन का दे लें, रूल्स का दे लें, वो आपके ऊपर है, कॉस्ट सबकी डिफरेंट है। रॉयल कैनिन थोड़ा महंगा आता है, लेकिन रूल्स में भी एक आया है, रूल्स में फोकस आया है, वो नॉर्मल जो रूल्स है उससे महंगा है रूल्स फोकस। ऐसी पेडिग्री में जो प्रोफेशनल रेंज आई है वो नॉर्मल वाली पेडिग्री से महंगी है। सो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन देना आपको स्टार्टर है। लैक्टेटिंग मदर्स को डिलीवरी के बाद आपको स्टार्टर फूड देना है, अडल्ट या फिर पप्पी डॉग फूड नहीं देना आपको। और प्लस आपके पप्स जो हैं वो 1 मंथ के हो गए, उसके बाद आपको जो पप्पी फूड या फिर अडल्ट फूड नहीं देना, उन्हें स्टार्टर से शुरुआत करनी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।